हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश आज आप सबके लिए लाया हूं बहुत ही खास टॉपिक, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। इससे पहले हमने वीडियो लाया था आपके लिए डिजाइन ऑफ स्टील चिमनी, तो चिमनी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। ऐसा ही रिस्पांस आप रेक्टेंगुलर टैंक में भी दिखाया इस वीडियो में। तो मेन स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में हमें ये दिक्कत आती है कि स्टील कोड का कैसे इस्तेमाल करना है, स्टील कोड का कैसे यूज करना है और किस पेज में कौन से डेटा हमें मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सीक्वेंस से बताऊंगा स्टील कोड कैसे यूज करना है और उसके किस पेज से डेटा आपको डिजाइन में लेना है। तो हर चीज को मैं आपको समझाऊंगा, आप बेफिक्र होकर के इन चीजों को समझें। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। तो ये रहा आपका टॉपिक डिजाइन ऑफ प्रेस स्टील टैंक। ये न्यूमेरिकल आपको इस टाइप से आएगा, डिजाइन एन एलिवेटेड रेक्टेंगुलर प्रेस्ड स्टील टैंक हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 120,000 लीटर, मतलब कि 1,20,000 लीटर। द टैंक इज ओपन ऑन द टॉप, द हाइट ऑफ स्टेगिंग इज 12 मीटर अप टू द टॉप ऑफ द कॉलम। यानी कि ये ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा जिसमें कि कभी कभी आपको ये दे दिया रहेगा कि डिजाइन द स्टे डिजाइन द, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, डिजाइन यानी कि कंप्लीट प्रोसेस आपको बोल दिया है करने के लिए। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का, किसी में 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपको। वहाँ पर अगर यदि मेंशन कर रहा है किसी एक पार्ट का डिजाइन करने के लिए तो एक पार्ट के करेंगे। तो इसमें मेन मेन आपको इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या डिजाइन करने वाला हूँ वो आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में है अपना लॉफ टैंक। ये फर्स्ट स्टेप में अपन निकालेंगे कि डायमेंशन क्या क्या होगा टैंक का, और सेकेंड स्टेप है थिकनेस ऑफ प्लेट, और थर्ड है डिजाइन ऑफ स्टे। स्टे क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। स्टे क्या चीज़ है ये देखो, ये आपका 3D डायग्राम हो गया टैंक का। तो ये वाला प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट से ये मिलकर के बना रहता है टैंक, और प्लेट का साइज रहता है 120 1.25 बाय 1.25 मीटर में। इस प्लेट का स्क्वायर टाइप का प्लेट है, उससे जोड़ जोड़ करके आपको टैंक डिजाइन करना है। अब देखो ये यहाँ से जो यहाँ तक ये ज्वाइंट वाला ये है, ये ज्वाइंट किया हुआ इसको बोलता है स्टे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्मॉल स्टे हो गया और ये लॉन्ग स्टे हो गया। तो ये स्टे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ ये वाला स्टे हो गया ये, तो स्टे आपको समझ में आ गया। थर्ड में क्या था अपना, डिजाइन ऑफ स्टे, और फोर्थ था अपना डिजाइन ऑफ टॉप टायर या लॉन्गिट्यूडनल बीम। लॉन्गिट्यूडनल बीम कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये जो नीचे बेस प्लेट पे ये बीम ये बीम ये बीम ये बीम को आप डिजाइन करेंगे फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ आता है अपना डिजाइन ऑफ बॉटम टायर, बॉटम टायर या मेन बीम। ये जो लॉन्गिट्यूडनल बीम रहता है, लॉन्गिट्यूडनल बीम के नीचे एक मेन बीम रहेगा। जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल बीम है, ये लॉन्गिट्यूडनल बीम, तो ये एक दो मेन बीम रहेगा उस पे ये रजिस्ट रहेगा पूरा का पूरा। और सिक्स्थ है अपना डिजाइन ऑफ कॉलम, कॉलम को डिजाइन करेंगे। और सेवन्थ आता है अपना डिजाइन ऑफ ब्रेसिंग, और एट नंबर में आता है स्टेप डिजाइन ऑफ बेस प्लेट ऑफ फाउंडेशन, और नाइन्थ है डिजाइन ऑफ फाउंडेशन एंड एंकर बोल्ट। तो मेन, ये वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं इस वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बनाया हूँ। ये अभी जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ तक करूँगा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी कि डिजाइन ऑफ स्टे तक। और सेकेंड पार्ट में मैं कराऊँगा, सेकेंड पार्ट में कराऊँगा ये स्टेप फोर्थ, यानी कि डिजाइन ऑफ टॉप टायर या बीम और डिजाइन ऑफ बॉटम टायर या मेन बीम, ये दो बीम को आपको सेकेंड पार्ट में, और इसी तरह से सभी स्टेप को मैं अगले अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं स्टेप फर्स्ट अपन। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, डायमेंशन ऑफ टैंक। स्टेप फर्स्ट है अपना डायमेंशन ऑफ टैंक। डायमेंशन ऑफ टैंक में देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक दिया हुआ है 120,000 लीटर, यानी कि 1,20,000 लीटर। अब आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में होता है 1,000 लीटर। अब इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आप 1,000 से डिवाइड करोगे और ये हो जाएगा 120 मीटर क्यूब। तो अब अपन क्या करते हैं, आपके पास कोडल प्रोविजन है कि आप जो इसमें प्लेट का यूज करेंगे, ये अलग अलग प्लेट से मिलकर के बना हुआ टैंक। आपको अगर यदि साइड व्यू देखे यानी कि एलिवेशन देखे टैंक का, तो ऐसा बनेगा, ये देखो आप प्लेट से जुड़ जुड़ करके बना हुआ। तो कोडल प्रोविजन है कि प्लेट जो आता है स्टैंडर्ड साइज 1.25 बाय 1.25 साइज का प्लेट आपको यूज करना है टैंक में, और कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन में दे दिया रहेगा। तो देखो ओवरऑल हाइट ऑफ टैंक मान लेते हैं 2 × 1.25। 2 क्यों लिए हैं, देखो ये 2 लेंगे तब जा करके
एक प्लेट का हाइट कितना होगा, 1.25, क्योंकि प्लेट का साइज है 1.25 बाय 1.25, तो इसीलिए दो प्लेट जब लेंगे तो इसका हाइट हो जाएगा 2.5 मीटर। अब प्रोवाइड ए फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड यानी फ्री बोर्ड उसको बोलते हैं, यानी कि कोई टैंक है ये मान लो, तो इस टैंक का हाइट यहाँ तक है और पानी जो है यहाँ तक इसमें भरा हुआ है, वाटर क्या है यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये वाटर जहाँ तक फिल है और ये जो टैंक का मेन हाइट, इस बीच में जो गैप बचा ये वाला हाइट को बोलते हैं फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड इसमें एज्यूम कर लिए हैं 0.15 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर, इसलिए इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, देखो 2.5 है हाइट टैंक का और ये प्रोवाइडिंग फ्री बोर्ड क्या है 0.15 प्रोवाइड किए हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ हो गया 2.5 माइनस 0.15 यानी कि 2.35। अब बेस एरिया ऑफ टैंक, हाइट तो अपन एज्यूम कर लिए हैं, निकाल लिए हैं हाइट निकाल लिए हैं, तो बेस आपको निकालना है यानी कि ये जो टैंक है इसका हाइट अपन ने निकाल लिया, हाइट जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, दो प्लेट लिए हैं, दो प्लेट में 1.25 इंटू 2। अब ये बेस का जो एरिया होगा, ये वाला बेस होगा, तो एरिया निकाल लेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, बेस वाला एरिया इंटू हाइट। तो आपको बेस एरिया जब निकालेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि 120 अपॉन में ये हाइट ले लेंगे 2.35, तो ये आपको आ गया 51.064 मीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया आ गया। अब प्रोवाइडिंग स्क्वायर टैंक, स्क्वायर टैंक कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब इसका जो बेस है, बेस अपन स्क्वायर टाइप का यूज करेंगे। देखो आपको ये डायग्राम में जो दिख रहा है, इसमें ये जो है बेस इसका स्क्वायर नहीं है, लेकिन अपन एज्यूम कर लेते हैं क्या कि स्क्वायर वाला बेस है। ये आपको सैंपल में एक बना करके दिखा, समझने के लिए ये सैंपल बनाया हूँ आपके लिए। ये टैंक देखो इसमें क्या है आपको दिख रहा है, जो हाइट है देखो दो प्लेट से मिलकर के बना है हाइट इसका, ये और ये, और यहाँ पर आपको देखो ये बेस प्लेट है इसका, ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेट ऐड किए हैं इसमें और इधर से भी 6, यानी कि स्क्वायर इसका बेस है। बेस देखो, बेस को देखो तो स्क्वायर टाइप का दिखेगा, लेकिन ये साइड से कैसा दिख रहा है, साइड से रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। अब बेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो ये आ गया 51.064, 51.064। अब प्रोवाइडिंग स्क्वायर टैंक जब प्रोवाइड करेंगे तो इसका एल और बी क्या हो गया, सेम हो गया, तो एल और बी निकालने क्या हो जाएगा, अंडर रूट 51.064, इसको सॉल्व किए तो 7.14 मीटर आ गया। अब 7.14 मीटर आपको क्या है, वो जो साइज दिया हुआ है, जैसे कि साइज जो दिया हुआ है प्लेट का 1.25 बाय 1.25 का दिया हुआ है, तो 1.25 का और 1.25 का अगर यदि प्लेट लेते हैं, 5 प्लेट ले या 6 प्लेट ले 7 प्लेट ले, तो देखो 5 प्लेट जब लेंगे तो 5 इंटू 1.25 कितना होता है, 6.25 हो जाएगा। अगर यदि 6 प्लेट लेते हैं, 6 इंटू 1.25, तो ये हो जाएगा 7.5, 7.5 आया और ये 7.14 है, तो अपन 7.5 लेकर के टैंक डिजाइन कर लेंगे। देखो तो प्रोवाइड 7.5 मीटर बाय 7.5 मीटर और इंटू 2.5 मीटर, 2.5 ये जो निकाले हैं साइज टैंक। अब इस साइज का टैंक अपने को डिजाइन करना है। अब ये चेक कर लेते हैं कि अपन ने जो टैंक का साइज एजम किया वो सही है अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या नहीं, तो एक्चुअल कैपेसिटी प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 2.35, क्योंकि ये जो 0.15 है ये तो फ्री बोर्ड है, अपने को क्या है लिक्विड कितने में रहेगा, 2.5 मीटर है, 2.35 मीटर में ही हाइट में रहेगा ना, तो कैपेसिटी इतना हो जाएगा 132.2 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब हैंड्स ओके, जब अपने को ये कितना था 120 लीटर के लिए, यानी कि 120 मीटर क्यूब के लिए आपको टैंक डिजाइन करना है, ये आपका आ रहा है 132, मतलब इससे ज़्यादा आ गया तो ये आपका ओके हो गया। द टैंक विल बी सपोर्टेड ऑन 4 कॉलम, आपको ये बोला है कि टैंक जो है 4 कॉलम पे सपोर्ट किया है, सपोर्टेड है, और कॉलम से कॉलम के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ये 5 मीटर इसलिए लिए हैं कि ये जो टैंक है, टैंक का ये पूरा 7.5 है, तो इसलिए इसके बीच का ये 5 मीटर ले लिए हैं सेंटर टू सेंटर। अगर यदि मान लो ये टैंक हो जाता ये 6 के करीब, तो 6 के करीब रहता तो इसको भी थोड़ा कम ले लेते आप। ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ये हाइट देखो, ये 1.25 है, ये 1.25 है, यानी कि ये टोटल हाइट कितना है आपको 2.5, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है इसमें 7.5 मीटर, और एक एक प्लेट का कितना लेंथ और हाइट है दोनों चीज़ 1.25। ये आपको यहाँ ब्रेसिंग करेंगे इस कॉलम में,
तो इस कॉलम में ब्रेसिंग करेंगे तो ये 4 मीटर हाइट, 4 मीटर हाइट, 4 मीटर हाइट, क्योंकि यहाँ पर ये 12 मीटर दिया हुआ। तो चलिए फर्स्ट स्टेप आपको डायमेंशन ऑफ द टैंक निकल चुका है, सेकेंड स्टेप में बढ़ते हैं अपन। तो सेकेंड स्टेप है अपना थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट इसके लिए कोडल प्रोविजन है, कोड में आपको लिखा हुआ IS 804/1967 में कि थिकनेस किस किस प्लेट का कितना रखना है आपको। तो ये चीज़ आप कोड में ढूंढने के तो मिल जाएगा। आप एक इस छोटे से चीज़ के लिए आपको कोड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो थिकनेस ऑफ बॉटम प्लेट क्या हो जाएगा, 6 mm, और थिकनेस ऑफ फर्स्ट टायर साइड यानी ये जो टायर साइड मतलब कि 6 मीटर इसको रखना है, और थिकनेस ऑफ टॉप टायर ऑफ साइड 5 मीटर होता है। ये एक्चुअल क्या चीज़ है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ रियल में। देखो ये बोला है कि थिकनेस ऑफ बॉटम प्लेट, बॉटम प्लेट यानी कि ये जो प्लेट लगा हुआ है बॉटम में, ये वाला प्लेट, ये जो प्लेट लगा हुआ है इस प्लेट का थिकनेस आपको 6 mm रखना है, और थिकनेस ऑफ फर्स्ट टायर साइड, फर्स्ट टायर मतलब कि ये जो हाइट में है, हाइट में देखो आप हाइट में क्या आता है, फर्स्ट नीचे वाला जो है ये इसका थिकनेस भी 6 बोल रहा है रखने के लिए, और थिकनेस ऑफ टॉप टायर यानी कि ये वाला इसमें जो प्लेट यूज करेंगे ये वाला प्लेट इसका 5 mm आपको रखना है। ये कोडल प्रोविजन है, आप इसको डायरेक्ट याद रख ले। अब स्टेप थर्ड आता है डिजाइन ऑफ स्टे। स्टे क्या चीज़ है ये आपको मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, फिर से एक बार देख ले। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोर्ट के लिए जो एक लगाते हैं रॉड, इसको हम स्टे बोलते हैं। इसका साइज आता है लगभग रेक्टेंगल टाइप का आता है, ब्लेड टाइप। ये आपको ये स्टे का डायग्राम आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा है अभी, मैं आपको साइड से एक इमेज दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि स्टे पे कौन कौन सा लोड आने वाला। देखो ये जो स्टे है, अब इस वाले टंकी में क्या है, इस टंकी में क्या होगा, पानी रखा हुआ, वाटर भरा हुआ है, तो वाटर के कारण क्या है, इस वाले वॉल पे प्रेशर आएगा, इस वाले वॉल पे प्रेशर आएगा, यानी कि ये वॉल पे चारों वॉल पे प्रेशर आने वाला है। तो उस प्रेशर को से बचाने के लिए, प्रेशर आएगा तो ये बाहर की तरफ धक्का देगा, तो उसको बचाने के लिए हम ये रॉड प्रोवाइड करते हैं, ये वाला मतलब उसको बचाएगा। तो ये वाला प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस पे आपको क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो उस टेंशन को फाइंड करेंगे अपन। तो आपको इसके लिए एक चीज बेसिक बता देता हूँ कि वहां पर जो आप देखे होंगे एक बार DHS में, तो देखो वहां पर क्या था, यदि ये एच हाइट तक वाटर भरा हुआ है, तो एच हाइट तक अगर यदि वाटर भरा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा डायग्राम बनता था, और यहाँ से इसका वैल्यू रहता था गामा इंटू एच, प्रेशर इंटेंसिटी यहाँ पर गामा इंटू एच, और प्रेशर मान लो कि जो पूरे हॉल प्रेशर यहाँ से वहाँ तक आने वाला है वो H/3 डिस्टेंस में अपन एज्यूम करते थे कि प्रेशर लग रहा है, क्योंकि इसके इसका CG H/3 होता है ट्रायंगल का, तो ये आपको यहाँ लगने वाला है। तो देखो डिजाइन ऑफ स्टे में क्या होगा, द वाटर प्रेशर डायग्राम ऑन द वाटर प्रेशर डायग्राम ये होगा ऑन द साइड वॉल शोन इन फिगर। तो साइड वॉल जो है, साइड वॉल यानी कि ये वाला देखो, ये साइड वॉल है, इसमें जो है वाटर रखा हुआ है, तो वाटर का प्रेशर इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ वाटर प्रेशर जाएगा। तो देखो तो इधर से जो इधर की तरफ वाटर प्रेशर जा रहा है, और ये हाइट जो है फर्स्ट वाला लाइन का हाइट 1.25 और सेकेंड वाले का भी 1.25, तो इसको दे दिया हूँ यहाँ से, ये ऐसा बनेगा प्रेशर डायग्राम, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.25, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.25, इसको ए बी और सी कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर नीचे वाले में P2 आ रहा है प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक का P2, और यहाँ से ए से बी तक का प्रेशर आ रहा है ये P1। तो जो P1 प्रेशर आ रहा है वो CG पे लाई करेगा, तो CG यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है H/3, इसको मान लो H1, तो H1/3 हो जाएगा, ये 1.25/3। और इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि देखो यहाँ यहाँ सपोर्ट होगा, जैसे कि ये जो है इस वाले वॉल पे अगर यदि प्रेशर की बात करें तो इस वाले वॉल पे प्रेशर रिएक्शन कहाँ कहाँ होगा, ये एक इस वाले बीम पे और एक इस वाले बीम पे और एक इस वाले बीम पे। तो देखो इस वाले बीच वाले बीम पे क्या होगा रिएक्शन, इस पे जो प्रेशर आ रहा है इसका भी प्रेशर होगा यहाँ पर रिएक्शन, इसकी वजह से भी, इस प्रेशर की वजह से भी,
और इधर साइड इस वाले पोर्शन पे जो आपको प्रेशर आएगा, इस प्रेशर की वजह से भी रिएक्शन इस पे आएगा, यानी कि बीच वाले पे दोनों तरफ से रिएक्शन आएगा दोनों प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर देखो ये वाला अपर वाला प्लेट, ऊपर वाला जो प्लेट है ये 1.25 मीटर हाइट का है, नीचे वाला प्लेट भी 1.25 मीटर हाइट का है। तो ये जो P1 प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन R1 आ रहा है और यहाँ पर R1 डैश आ रहा है। और फिर देखो P2 जो प्रेशर लग रहा है, इस P2 के वजह से यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है R2 डैश और ये R3। देखो ये एक पॉइंट पे दो दो रिएक्शन आ रहा है, पहला रिएक्शन इस वजह से R1 डैश और दूसरा रिएक्शन P2 के वजह से R2 डैश। अब देखो ये P2 को जो वैल्यू होगा, ये P2 का वैल्यू क्या होगा, P2 आपको यहाँ से यहाँ तक का CG निकालना पड़ेगा, तो ये CG भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो यहाँ पर टू फाइंड द वाटर प्रेशर P1 एंड P2, P1 और P2 आपको फाइंड करना है। तो P1 और P2 फाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा इंटू एच, ये बेस वैल्यू आपको अभी बताया हूँ, गामा इंटू एच, H1 मान लीजिए इसका हाइट है, तो ये गामा इंटू H1 और ये पूरा हाइट क्या हो जाएगा H2, ये पूरा हाइट यानी A से लेकर के C तक का है H2। तो ये जब H2 है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, गामा इंटू H2। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं वाटर प्रेशर P1, तो P1 कैसे निकालेंगे, बस इसका एरिया, ये ए बी और ये वाला पोर्शन, मान लो इसको नाम दे दो ओ, तो ए बी ओ वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस कितना है, गामा इंटू H1, गामा इंटू H1 इंटू हाइट H1, और इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेट, प्लेट का लेंथ जो है जिस लेंथ पे लग रहा है, यानी कि कितना पे, 1.25, तो लेंथ हो जाएगा 1.25, प्रेशर इंटू लेंथ की है, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू गामा के वैल्यू वाटर के लिए कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा के वैल्यू ले दिए 9.81 और H1 का वैल्यू 1.25, फिर H1 का 1.25 रखे, लेंथ रखे 1.25, तो ये P1 का वैल्यू आ गया 9.580 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं वाटर प्रेशर P2 की, P2 की जब बात करोगे आप, तो P2 में क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन का एरिया है, यानी कि ये एरिया, इसका एरिया, तो देखो ऐसा सेक्शन कुछ ऐसा यहां पर दिख रहा है, ये अगर यदि ए हो ये बी हो तो इसका, और हाइट एच हो, तो एरिया क्या हो जाता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी, तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1/2 और ए प्लस बी यानी कि ए यानी गामा H1, गामा H1 और बी, बी यानी गामा H2, गामा H2 और इंटू में एच, तो इंटू में H1 दे दिए, H1 यानी कि H1 कहने का मतलब ये एक ही प्लेट का हाइट लेना है इसमें, क्योंकि इसका एरिया बस निकाल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन तक का एरिया, इसलिए H1 लिए, इंटू लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट यानी कि 1.25, तो इसको जब इसका वैल्यू रखे तो 1.1/2 इंटू 9.81 गामा का वैल्यू और H1 का वैल्यू 1.25 प्लस गामा H2, H2 कितना, H2 यानी कि ये पूरा वाला हाइट लेना, तो 9.81 इंटू 2.5 और इंटू H1 का वैल्यू 1.25 रखे और लेंथ ऑफ प्लेट 1.25, तो यहाँ से P2 का वैल्यू आ गया 28.740 किलो न्यूटन। ये आपको P1 और P2 निकल चुका है। अब आगे देखिए, टू फाइंड द रिएक्शन एट ए बी सी एच R1, R2 एंड R3। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किए, स्टेप थर्ड का एक इसी स्टेप में, थर्ड में ही है, सबसे पहले क्या किए, प्रेशर निकाल लिए, तो P1 और P2 का वैल्यू आपको निकल चुका है। अब P1 और P2 की वजह से रिएक्शन कितना आएगा, इस सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आएगा, ये रिएक्शन अपन फाइंड करेंगे, और रिएक्शन मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ किसकी वजह से कौन सा रिएक्शन आ रहा है। तो B वाले पॉइंट पे जो है R2 रिएक्शन आ रहा है, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 डैश प्लस R2 डैश, R2 डैश, ये R2 हो गया इस वाले पे। तो देखो यहाँ R1 और ये R2 और ये यहाँ पर R3, तो कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अपर पार्ट ए बी, जब ए बी पार्ट की बात करें तो देखो यहां पर कंसिडरिंग
कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ अपर पार्ट ए बी टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, बी के अबाउट यदि मोमेंट करेंगे तो बी के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा आपको, समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आपको जीरो करना है और इसमें साइन कन्वेंशन आपको लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो देखो आर वन, आर वन क्या कर रहा है, आर वन देखो यहाँ पर आर वन कैसे घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज में, इसके लिए पॉजिटिव आर वन इंटू ये आर ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस 1.25 इंटू माइनस का साइन। देखो माइनस का साइन क्या क्यों लिया है, ये पी वाला जो है अपन इससे ऊपर वाले बस देखें, तो पी वाला क्या करेगा इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, उल्टा डायरेक्शन, डायरेक्शन से भी देख लो ये इधर डायरेक्शन में लग रहा है और पी इधर डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए अपोजिट साइन ले लिए। तो पी वन इंटू एच वन अपॉन थ्री, एच वन यानी कि ये वाला डिस्टेंस, यानी कि यहाँ इस वाले लाइन से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर वन इंटू 1.25 माइनस पी वन का वैल्यू जो आपको निकाल चुके हैं ये आप 9.58 ये रखे 9.58 इंटू एच वन, यानी कि एच वन का वैल्यू 1.25 अपॉन में 3 इक्वल टू जीरो, यहाँ से आर वन आ गया 3.193। अब क्या हो जाएगा आपको, देखो आर वन प्लस आर वन डैश, आर वन और प्लस आर वन डैश यानी कि ऊपर वाला बस बात करें, आर वन डैश क्या आ रहा है पी वन की वजह से और आर वन भी पी वन की वजह से आ रहा है, ये देखो ऊपर वाला ट्रायंगल की बस बात करो अभी, तो आर वन डैश प्लस आर टू डैश को रेजिस्ट कौन कर रहा है, पी वन, पी वन। तो यहां पर देखो आर वन, आर वन और प्लस आर वन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वन। तो देखो आर वन का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 3.193, तो 3.193 अब प्लस आर वन डैश इक्वल टू पी वन का वैल्यू, पी वन का वैल्यू ये 9.58 रखो 9.58, तो यहाँ से आर वन डैश निकल जाएगा आपको 6.387 किलो न्यूटन। अब इसी तरह से क्या होगा, कंसिडरिंग कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ लोअर पार्ट बी सी, बी सी का लोअर पार्ट आपको इक्विलिब्रियम में कंसिडर करना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, इस वाले पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट कराएंगे सी पॉइंट के अबाउट, तो वो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू जीरो। तो देखो आर वन यहाँ पर ये इसको इस डायग्राम को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आर टू डैश लग रहा है, ये पी टू प्रेशर की वजह से आर टू डैश ही लग रहा है ना, तो आर टू डैश और यहाँ पर क्या है आर थ्री है और यहाँ पर पी टू लग रहा है, ये गामा एच वन लग रहा है और नीचे क्या है गामा एच टू और ऊपर क्या है गामा एच वन। तो देखो इस वाले वहां से डायग्राम को यहाँ ले आया हूँ, तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट सी कराएंगे, सी ये पॉइंट है ये बी है, तो क्या होगा आर वन डैश, आर वन डैश क्या है क्लॉकवाइज में इसको घुमा रहा है, तो पॉजिटिव आर वन, सॉरी आर वन डैश नहीं आर टू डैश, तो आर टू डैश इंटू 1.25 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.25, अब माइनस में पी टू इंटू वाई डैश, वाई डैश यानी कि ये अभी आपको सी जी नहीं पता है कि इसका कहाँ पर है होगा, वाई डैश अभी मान लो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ के बीच, ये वाई डैश क्या हो जाएगा सी जी, यानी कि ऐसा जो डायग्राम है ट्रेपेजियम टाइप का, तो इसका सी जी फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो ट्रेपेजियम का सी जी क्या होता है, वाई डैश इक्वल टू एच वाई थ्री बी प्लस टू ए अपॉन में बी प्लस ए, यानी कि बी बोले तो, बी बोले तो ये और ये इसको ए, देखो तो यहाँ पर क्या होगा एच, एच कितना है एच वन और बी कितना है गामा इंटू एच टू और टू इंटू ए, ए का वैल्यू गामा इंटू एच वन रखो, गामा इंटू एच वन और फिर नीचे बी गामा इंटू एच टू और प्लस ए का वैल्यू गामा इंटू एच वन। जब इसको आप यदि गामा कॉमन लिए तो गामा ऊपर से नीचे से कॉमन आकर के गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एच वन अपॉन में थ्री और यहाँ बचेगा एच टू प्लस टू एच वन अपॉन में एच टू प्लस एच वन, तो एच वन का वैल्यू आप रखे 1.25, 1.25 अपॉन में थ्री और ये देखो एच टू का वैल्यू रखे 2.5, एच टू 2.5 यानी कि ये पूरा जो हाइट यहाँ पूरा ट्रायंगल जो था ये वाला एच टू, एच वन का वैल्यू 1.25 अपॉन में थ्री और ये हो जाएगा एच टू का वैल्यू 2.5 और प्लस में टू इंटू एच वन, एच वन का वैल्यू 1.25 अपॉन में एच टू प्लस एच वन, एच टू का वैल्यू 2.5 और प्लस में 1.5 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.556। अब इस वाले इक्वेशन में देखो आर टू डैश का वैल्यू आर टू डैश ही रखने दो, आर टू डैश इंटू 1.25
अब माइनस पी टू का वैल्यू पीछे से, यहाँ से जो आप निकाल चुके थे पी टू का वैल्यू, ये वाला, ये पी टू का वैल्यू आप इसमें रख देंगे। तो यहाँ से जब पी टू रखे यहाँ पर 28.74, और वाई डैश इतना निकाल चुका है 0.556, 0.556 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आर टू डैश आपका आ गया कितना 12.784 किलोन्यूटन। अब ऐसे ही आर टू डैश प्लस आर थ्री, आर टू डैश प्लस आर थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पी टू। तो यहाँ से आर टू डैश आप निकाल चुके हैं पहले ही, तो आर टू डैश का वैल्यू रखो 12.784, और आर थ्री प्लस आर थ्री इक्वल टू 28.740, यहाँ से आर थ्री आ गया 15.956 किलोन्यूटर। तो ये प्रेशर भी निकाल लिया आपने और रिएक्शन भी निकाल लिया। तो अब जो यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, इसी रिएक्शन को बचाने के लिए तो अपन स्टे लगाते हैं। देखो क्या हुआ, अभी यहाँ पर जो रिएक्शन आने वाला वो निकाल लिया आपने, यहाँ पर जो रिएक्शन आने वाला है वो निकाल लिया, और यहाँ जो रिएक्शन आने वाला है वो निकाल लिया। अब इस रिएक्शन की वजह से इस पे टेंशन कितना आ रहा है, इस पे कितना टेंशन आ रहा है वो निकाल दिया अपन। इस स्टेप पे कितना टेंशन आ रहा है, इस स्टेप पे कितना टेंशन आ रहा है, देखो जब हम इस टैंक का एलिवेशन बनाएंगे तो एलिवेशन इस टाइप का बनेगा। यानी कि एलिवेशन में आपको ये वाला साइड वाला प्लेट दिखेगा जो हाइट में है, ये प्लेट एक प्लेट और ये दो प्लेट। और देखो इसमें हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला है इस पे जो टेंशन आ रहा है इसको हमने मान लिया F1, मान लो इस पे जो आ रहा है इसको मान लो F1, और इस पे जो टेंशन आ रहा है इसको मान लो F2। ठीक, नीचे वाले पे कितना आ रहा है F2, और इस पे टेंशन कितना आ रहा है F1, दोनों का टेंशन निकालना है आपको। आपको ये चीज़ पता चल गया कि इस पे रिएक्शन कितना आ रहा है, ये रिएक्शन आपको पता चल गया और यहाँ का भी रिएक्शन पता चल गया। तो देखो क्या होगा, यहाँ का रिएक्शन ये आर वन, यहाँ का रिएक्शन आर टू, तो आर टू क्या हो जाएगा आर वन डैश प्लस आर टू डैश, ये आर टू हो गया, और ये वाला जो टेंशन आ रहा है एफ टू, और इस पे टेंशन जो आ रहा है एफ वन, ये एक्चुअली ये वाला कौन सा है, ये स्टे है, ये स्टे है, बार बार आपको समझा रहा हूँ कि ये स्टे कौन सा चीज़ है, मतलब इस पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इस पे जो टेंशन आ रहा है ये एफ वन है, और इस पे जो टेंशन आ रहा है ये एफ टू है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन इन लॉन्ग स्टे, लॉन्ग स्टे यानी कि ये लंबा वाला, लंबा वाला ये जो है इस वाले स्टे के लिए आपको टेंशन कितना आएगा ये देखो। सिंस द स्टे आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, स्टे क्या है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दोनों ही स्टे 45 डिग्री पे, क्योंकि स्क्वायर शेप का प्लेट है आपके पास। द टेंशन इन लॉन्ग स्टे शॉर्ट स्टे विल बी एज टेंशन एंड इन लॉन्ग स्टे, तो लॉन्ग स्टे में कितना टेंशन आएगा ये सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो तो लॉन्ग स्टे यानी कि ये वाला स्टे, ये वाला F1, तो देखो F1 साइन थीटा क्या होगा, ये 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा आपको, ये भी 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री, तो ये वाला इसका इसका अगर ये कंपोनेंट, ये भी 45 डिग्री, तो इसका R1 का ये वाला कंपोनेंट जब निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा F1 साइन 40 डिग्री, मतलब ये F1 है, ये F1 है, तो F1 ऐसे करो, इसका ये कंपोनेंट निकालो तो F1 साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री, F1 साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा R1। तो यहाँ से F1 यदि निकाले तो R1 अपॉन में साइन 45 डिग्री, और R1 का वैल्यू कितना निकाल चुके हो आप, R1 का वैल्यू 3.193, 3.193, तो यहाँ से 3.193 रखे तो ये आ गया 4.516 किलो न्यूटन। अब टेंशन इन शॉर्ट स्टे, शॉर्ट स्टे यानी कि ये वाला छोटा वाला स्टे, अब किसमें निकाल रहे हैं टेंशन, इस वाले में, ये जो है छोटा वाला, इसमें टेंशन कितना आएगा वो निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें भी वही होगा आर टू, तो आर टू कितना हो जाएगा, देखो एफ टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू आर टू, तो यहाँ से एफ टू इक्वल टू हो गया आर टू अपॉन में साइन 45 डिग्री, तो आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा आर वन डैश प्लस आर टू डैश, ये वाला आर वन डैश प्लस आर टू डैश। तो ये आप यदि आर वन डैश का वैल्यू रखे 6.387, और आर टू डैश का वैल्यू रखे 12.784 अपॉन में साइन 45 डिग्री, तो ये आ गया एफ टू इक्वल टू 27.1 किलोमीटर।
ये आपने क्या किया अभी, लॉन्ग स्टे शॉर्ट स्टे दोनों में टेंशन क्या आएगा, तो वो अपन ने फाइंड कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन टेंशन फाइंड कर लिए दोनों दोनों स्टे में टेंशन कितना आने वाला है। तो एलोवेबल स्ट्रेस इन स्टे, स्टे में एलोवेबल कितना स्ट्रेस होगा वो अपन सबसे पहले एक्सियल टेंशन भी इसको बोलते हैं, ये कितना आएगा वो आपको पता ही है। स्टील में ये होता है 0.6 FY, और कोडल प्रोविजन ये है, जब वाटर टैंक के केस की बात करें तो वाटर टैंक में ये 0.8 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.8 × 0.6 × FY, FY एज्यूम कर लेते हैं 250, स्टील जो यूज करेंगे वो 250 है। तो ये इसका आ गया वैल्यू 120 न्यूटन पर mm². अब देखो नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग स्टे, स्टे एक्चुअली किस टाइप के प्लेट से बनेगा या कौन सा इसमें रॉड रहेगा वो आपको, ये साइड में इमेज आपको दिख रहा है, ये हो गया आपको इस वाले प्लेट से, आपको ये जो प्लेट टाइप का दिख रहा है रॉड, इससे आपको स्टे डिजाइन करके देना है, आपको इस टाइप का स्टे आपको लगेगा। तो देखो नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग स्टे, तो लॉन्ग स्टे के लिए क्या हो जाएगा, F1/में एलोवेबल स्ट्रेस, एलोवेबल स्ट्रेस ये आ गया 120 अपन निकाले हैं, और ये F1 यानी क्या है, ये टेंशन, उस पर जो टेंशन, तो टेंशन अपन क्या फाइंड किया हुआ, 4.516, 4.516, ये 4.516 जो निकाले थे ये किलो न्यूटन में, इसको न्यूटन में बदलेंगे तो ये 10³ हो जाएगा, अपॉन में एलोवेबल स्ट्रेस, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकला था, तो ये 120 इक्वल टू आ गया 37.63 mm². अब नेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट स्टे, शॉर्ट स्टे यानी छोटा वाला स्टे जो है उसके लिए, बॉटम स्टे भी इसको बोलते हैं और इसको टॉप स्टे, तो ये हो जाएगा F2/ में एलोवेबल स्ट्रेस, F2 का वैल्यू 27.11 न्यूटन में बदलेंगे तो 10³ / 3/120, ये आ गया 225.92 mm². अब अपन क्या किए, प्रोवाइड 30 mm वाइड इंटू 6 mm थिक, जो हम ये साइज की बात करते हैं, तो ये जो अपन स्टे यूज करेंगे वो इस टाइप का लगभग प्लेट टाइप का ही रहता है, उसका भी थिकनेस अपन ये इसमें प्रोवाइड करते हैं 6 mm थिक, और ये जो विड्थ रहता है इसका वो अपन मान लो 30 ले लिए, तो 30 mm बाय 6 mm थिक माइल्ड स्टील फ्लैट फॉर टॉप स्टे, टॉप स्टे के लिए ये वाला ले लिए 30 mm वाइड वाला, एंड 60 mm वाइड यानी कि नीचे के लिए जो है ना 60 mm वाइड इंटू 6 mm थिक फ्लैट फॉर बॉटम स्टे एंड कनेक्टेड बाय यूजिंग 14 mm डाया रिवेट। अब ये वाला अपन ये पूरा का पूरा क्या किया, एज्यूम किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, आप एरिया नेट एरिया क्या हो जाएगा, ए नेट फॉर टॉप स्टे, टॉप स्टे के लिए क्या होगा, जो आपने ये वाला लिया है मान लो इसका थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बनाओ, तो यहाँ आपको ये रिवेट होगा, तो जो रिवेटिंग होगा तो ये विड्थ कितना है 30, और रिवेट का साइज कितना दिया हुआ है 14 mm, 14 mm क्या है रिवेट का साइज, तो होल तो क्या करना पड़ेगा 14 + 1.5 करना पड़ता है, तो ये होगा 15.5, तो 15.5 30 में से 15.5 में इंटू थिकनेस कर दिए, तो ये आपका नेट एरिया आ गया, तो एरिया कितना 37 से ज़्यादा आया, तो 37 से ज़्यादा आया हैंड सॉप के। अब ए नेट फॉर बॉटम स्टे, बॉटम स्टे की बात स्टे की बात करें तो ये 60 मान लो लिए है, तो 60 - 15.5 × 6 यानी थिकनेस, तो ये 267 आया, जो कि 225 से ज़्यादा है, हैंस ओके। तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा इससे आगे का स्टेप, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला पार्ट का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा।